जान तो निश्चित वैसे भी जाएगी, यानी कि इलाज हो जाएगा तो भी मरेंगे। 8 की मोहर है। 8, उसके बाद सेक भी लगवाया। 6, 28। सेक में तो पूरा खेल आपका, पूरी चमड़ी अमड़ी उतर उतर के नीचे पड़ने लगी, यानी पूरा काला पड़ गया, चमड़ी झड़ने लगी और पेशेंट पूरी तरह से अब बेड पर आ लिया। वो एंडोस्कोपी की उन्होंने, एंडोस्कोपी की पूरा अंदर से जांच किया कि कहां कितना बड़ा, उधर तो इधर बताया था कैंसर, उन्होंने इधर भी बता दिया। पेशेंट बेड पर था, मेरे पास आया जब बेड पर था, लेकिन जब हॉस्पिटल गया था जब तो चल के गया था ना, चल के गया था और वहां से लेट के आया था, चलते हुए गए थे और लेट के आए थे, और मेरे पास आया जब लेटे हुए थे बेड पर, और मैंने उसको खेतों तक चलाया था सिर्फ 20 दिन में। अपना नाम बताओ क्या? विशाल। विशाल, रहने वाले कहाँ के आप? मैं दूधू के पालू गाँव का हूँ। दूधू? दूधू जिला है मेरा। दूधू जिला है, अभी बना है। राजस्थान में? हाँ, जयपुर के अंदर। ठीक है। और पेशेंट क्या लगता है आपका? पापा है। पिताजी आपके? पिताजी। नाम क्या उनका? लक्ष्मण मीणा। लक्ष्मण मीणा, उम्र उनकी 50 साल है जी। आपके पेशेंट को भी 8 थेरेपी यानी कि थेरेपी 8 लगी और 28 सेक लगे। गले का CA बताया गया था, ठीक है, और वो स्पाइनल कॉर्ड में भी चला गया था D9 और D11 तक, यानी फैल चुका था हड्डियों में भी जा चुका था, स्टार्टिंग गले से हुआ था। पेशेंट की पूरी डिटेल इनके बेटे से पूछेंगे, और ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि पेशेंट बिल्कुल ठीक होने के बाद, और पेशेंट ने एक बहुत बड़ी गलती करी, उसके बाद उसका कंडीशन फिर से वैसा ही हो गया। आज रिकवरी मोड आप सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि इतनी अच्छी रिकवरी 20 दिन में कैसे हुई, और पेशेंट बेड पर था, मेरे पास आया जब बेड पर था, लेकिन जब हॉस्पिटल गया था जब तो चल के गया था ना, चल के गया था और वहाँ से लेट के आया था। थोड़ा जोर से बोलो सर। लेट के आए थे वापस? हाँ। चलते हुए गए थे और लेट के आए थे, और मेरे पास आया जब लेटे हुए थे बेड पर, और मैंने उसको खेतों तक चलाया था सिर्फ 20 दिन में। कुछ ऐसा एड्रेस दो ताकि आपके घर तक पहुंच सके। दूधू जिला में आपका घर के आसपास का लोकेशन, मंदिर कोई ऐसा कुछ? एक होटल है, जयपुर होटल उसके सामने ही है। हम चाहते हैं कि मेरे सभी पेशेंट के आप घर तक जाओ और पूछो जो 20 दिन का वीडियो बना ये सस्ता या झूठा, इतना ही बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास पेशेंट सारा वही आ रहा है जब डॉक्टर मना कर दे रहा है, यानी उसके पास कोई चारा नहीं है, घर ले जाओ सेवा करो, ऐसे ही था ना जी। 50 साल की उम्र में जिसको 8 थेरेपी लग चुकी है, 8 की, और वो पेशेंट बिस्तर पर आ गया, परिवार पूरा मिलने आने लगा होगा, पूरा सब मिल लिए थे कि भाई जाने वाला है, चलो शेक हुआ था उस टाइम तो ऐसी कंडीशन थी भाई, अभी 1-2 दिन हो रहा है लास्ट, यानी 2 दिन का मेहमान था। उस पेशेंट को मेरे पास लेके आया जाता है और उस पेशेंट की रिकवरी की वीडियो बनाई जाती है, तो इससे बड़ा विज्ञान और क्या चाहिए। पेशेंट खेत में जा रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, कल वो बिस्तर पर था जिसको परिवार मिलने आने लगा था, जिसको 2 दिन बाद बोल दिया गया था कि अब तो कुछ भी हो सकता है, मिल लो, पूरा परिवार मिल लिया था उसे, वो आज ट्रैक्टर चला रहा था ये बोलेंगे जी 20 दिन तक, और उसके बाद जो है वो बात चलेगी। आज एक बार पूरी स्टार्टिंग से बात करते हैं कि शुरू में सबसे पहले पेशेंट को क्या दिक्कत हुई थी? इतनी सी गांठ हुई थी, यानी एक चने के दाने के बराबर महसूस हुई थी, तो मन में भय हुआ तो हमने जांच करवा ली, हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ करवा ली। समझ में आएगा आपको भी जांच के बारे में जो आप लोगों को बोला जा रहा है ना, आपकी वीडियो डाल सकता हूँ ना, डॉक्टर हैं आपके घर के, डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला जांच कराने, तो आप इन्हीं से मिल लो, यही बता देंगे आपको, जिन्होंने लगवा लिया आपको बोला पहले लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, पूरा जीभ निकालेंगे, सफल हो रहा है उनके पैसे कितने पूछा आपने, वो आज पूछ लेना, और कितने मास्टर जी कितना पैसा जमा कर लिया आपने वो भी बता देना, मैं नहीं कह रहा आपको ठीक करूंगा बहन जी, 1% भी गारंटी नहीं लूंगा, मैं बोल रहा हूँ ये बात बोला ना मैंने, क्योंकि कल को जाके बोलेंगे कि हमारे चक्कर में क्यों पड़ गए, मैंने नहीं बोला, मैंने बोला आपको कि आगे आपको ना हो, आपके बच्चों को ना हो, मैं काम इस पर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने मेरा पूरा रिव्यू लिया, पूरा वीडियो देखा, आज आपके सामने भी वीडियो बन रहा है ताकि आप उनको भी बता सको मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं कह रहा मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास तो आपकी बीमारी की कोई दवाई भी नहीं है, बोला था ना मैंने कि इस बीमारी के लिए जिधर आप मेरे पास भाग रहे हो, इस नाम की बीमारी का मेरे पास कुछ नहीं है, सच बता रहा हूँ, और इस भ्रम में आप लोग बैठे हो तो अभी चले जाना, मैंने तो ये बताया था कि मैं शरीर को ठीक करूँगा,
यानी शरीर की इम्यूनिटी पावर, हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर अगर बूस्ट होती है तो हमारे शरीर के रोग को तो स्वयं ही ठीक कर लेगी। और मैं उनको भी गलत नहीं बोल रहा, लेकिन तुम अपना विज्ञान तो देखो, पैसे कितने लगाए थे सर आपने? कम से कम 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया, आगे पेशेंट के शरीर में जान ही नहीं था, होता तो और भी लगाते ना सर। अगर पेशेंट को थोड़ा भी रिकवरी मोड में मिलता तो ये शायद अपना जमीन जायदाद मकान दुकान सब बेच के गहने गोने आप इलाज करवाते, पिताजी के लिए पीछे हटने वाले नहीं थे। लेकिन जब लगाए तो बिस्तर पर आ गए, 3 दिन का मेहमान 2 दिन का मेहमान बोल दिया गया, तो फिर आप क्या पैसे लगाना? हमारे पास कौन आता है? जब डॉक्टर मना करता तो या तो मंदिर की याद आती है, भगवान की याद आती है, घंटी बजाते हैं। अब उसके बाद अगर मान लो ठीक नहीं हुआ पेशेंट, तो भगवान को भी लोग उठाकर घर से फेंक देते हैं, नहीं करेंगे तुम्हारी पूजा। पूरी जिंदगी पूजा करी, तूने मेरे बच्चे को नहीं बचाया, तूने मेरे पति को नहीं बचाया, तूने मेरी पत्नी को नहीं बचाया, इस तरह से भगवान को भी बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारा नंबर भी उसी में आ जाता है, तुमने ठीक नहीं किया, तुमने लूट लिया, तुमने पैसे ले लिए। अरे वहां पर तुम्हारा धक्का लगा था तभी तो आए थे हमारे पास। और गारंटी मैं किसी की नहीं लेता, ना ही पहले वाले की ना ही आखिरी वाले की। यहां पर 20 डेज के अंदर आराम मिलेगा तो आगे दवाई दूंगा, 20 डेज में आराम नहीं मिलेगा तो मैं खुद ही कहता हूँ। बताओ, 1 साल 6 दिसंबर से हम लोगों को किसी ने हला नहीं पाया। आपका दृढ़ विश्वास, लेकिन मैंने आपके साथ विश्वास का घात तो नहीं किया ना, तो आपके सामने ही बनती है ना सभी पेशेंट की रिकवरी की वीडियो, यहीं बैठे बनते हैं ना। मैं तो अलग से नहीं बात करता, जिसकी जो पेशेंट की रिकवरी नहीं है वो भी यहीं बैठा होता है, तो उसको भी मैं मना करता हूँ कि दवाई नहीं दूंगा भाई। इनको भी मैंने मना कर दिया था, देखो इसको काट दिया मैंने, क्यों? क्योंकि कुछ गलती है जो आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने बताया कि उस समय छोटा सा गांठ, चने के दाने के बराबर एक गांठ, उसकी जांच कराई, जांच करवा ली, 7 दिन बाद रिपोर्ट आई। 7 दिन के बाद क्या रिपोर्ट आई? उसमें क्या बता दिया? उसमें डिक्लेयर हो गया कि ये तो CSLs, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोल दिया जयपुर दिखा दो, जयपुर किसी बड़े हॉस्पिटल किसी अच्छे डॉक्टर के पास। आप जयपुर में एक ही है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, नाम तो मैं साइलेंट कर दूंगा। ये वहाँ लेके गए, उसके बाद वहाँ ले जाने के बाद वो एंडोस्कोपी की, उन्होंने एंडोस्कोपी की, पूरा अंदर से जांच किया कि कहाँ कितना बड़ा, उधर तो इधर बताया था कैंसर, उन्होंने इधर भी बता दिया, फैल गया भाई। फिर उन्होंने सर्जरी के लिए मना कर दिया, सर्जरी मत करो, नहीं हो पाएगी, क्या फायदा है, सर्जरी यहाँ की करोगे तो अंदर भी है। फिर उन्होंने करवा दिया। कितनी चली की? 8 की 8। उसके बाद सेक भी लगवाया, सेक 28। सेक में तो पूरा खेल आपका, पूरी चमड़ी अमड़ी उतर उतर के नीचे पड़ने लगी, पूरा काला पड़ गया, चमड़ी झड़ने लगी, और पेशेंट पूरी तरह से अब बेड पर आ लिया। अब बोल दिया गया कि आपने, फिर डॉक्टर से पूछा मुझे क्या हो सकता है, भाई जान तो निश्चित वैसे भी जाएगी, यानी कि इलाज हो जाएगा तो भी मरेंगे, आगे इलाज कराते तो मरना तब क्लियर हो चुका आपका, आप देख लो करवाना ही नहीं करवाना। उन्होंने 35 सेक के लिए बोला, मैंने 28 सेक पे बंद करके। कैसे लगता सर, 28 में तो चमड़ी जल गई? वो बात ऐसी बोल दी ना, बोले जान तो फिर भी जाएगी, वो तो वैसे ही जा रही है। देखो यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट की कैसी भी हालत हो, पेशेंट बेड पर आ चुका हो, पेशेंट जल गया हो, लेकिन हम उसकी सारी बात मानते रहेंगे। गए थे चल के बिस्तर पर आ गए, फिर भी हमारा उसका थेरेपी चलता रहेगा, इतना विश्वास उन पर, और हमारे पास दूसरे तीसरे दिन लोगों को विश्वास उठ जाना। तो हमने तो पहले ही कह दिया कि मेरे पास तो आप चलता फिरता मुर्दा लेके आओ। दो तरह के होते हैं डेथ, एक तो मर चुका है और एक मरने वाला है। तो आपके पेशेंट की उसी कंडीशन थी ना भाई, कि मरने वाला है, यानी 2-4 दिन का मेहमान ही मेरे पास आया था। तो हम तो बोलेंगे क्लियर क्लियर बातें, कड़ी कड़ी बातें, लगेगी तो लगेगी भाई, आना तो मेरे पास आप लोग चिकित्सा कराओ, नहीं आना तो आप लोग भैया जहाँ करवा रहे हो करवाते रहो, सारे विश्व के डॉक्टर मना कर दे तब आप मेरे पास आना, ठीक है, तब आप लोग मेरे को सर्च करना डॉक्टर दीपक शर्मा, इससे पहले मत करना। उसके बाद आपको वीडियो की याद आई, यूट्यूब में देखा, मेरे घर वालों को 50 वीडियो दिखाई ना, जब जाता है उनको ट्रस्ट हुआ, फिर भी नहीं हुआ। मेरे बारे में किसने बताया पहले? यूट्यूब से देखा। आपने सर्च किया होगा? सर्च किया, पहले तो भगवान की याद आई, यानी डॉक्टरों, यानी अलग अलग जगह देखा भाई अच्छा इलाज कहाँ होगा, तो आपकी वीडियो आई, फिर मैंने उसको देखा तरीके से 2-5 दिन, सारी वीडियो आगे पीछे जाके, फिर मैंने घर वालों को ट्रस्ट करवाने की कोशिश करी भाई एक बार देख लो देख लो, घर वालों ने नहीं माना, लास्ट में मैं ही खुद परेशान होकर मैं खुद ही आया था। मतलब इतना विश्वास कि उधर से जो चिकित्सा कराई, पेशेंट बिस्तर पा चुका है, पूरी तरह से जल चुका है, लेकिन फिर भी उधर विश्वास है, आयुर्वेद की तरह फिर भी नहीं, इतनी वीडियो डालने के बाद भी लोगों का विश्वास नहीं है, पर इतना प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं माने घर वाले, फिर मैं खुद ही आया, खुद ही माने, चलो पैसा मांगा, पैसा नहीं दिया, एडजस्ट करके मैं खुद ही आया था। अच्छा, घर वाले ने पैसा वहां दे दिया? वहां दे दिया, वहां 3 लाख रुपया दे दिया, लेकिन यहां नहीं देंगे पैसे तेरे,
ठीक है जी, उसके बाद पैसे कहाँ से लिए मेरे पास दवाई लेने के लिए? एडजस्ट दोस्तों से किया, किधर इधर से? दोस्तों से मांगा, अच्छी बात है जी। हमारे ऐसे अगर घर वाले हों तो मैं कहूँगा उसको घर वाले बोलें या बाहर वाले, इससे अच्छा तो बाहर वाले ठीक थे जी। बोल सकता हूँ ना जी, कहीं आपके घर वाले आपको जाते साथ इस वीडियो को देखकर आपको पैसे क्यों बोलेंगे? क्यों? क्योंकि आज रिकवरी भी तो आपने दी है ना मेरे पास। पेशेंट जब मेरे पास आया तो क्या क्या कंडीशन थी सर उसको? बिल्कुल बेड पे थे, ऑन बेड थे। आपने बताया था कि लगने के बाद, सेक लगने के बाद गले में पूरी तरह से जख्म बन गया था, बिल्कुल आपने बताया था। और बोला था 8 महीने से लिक्विड भाई पतला पतला कुछ भी चीज उसको घोल के पिलाने वाला ही पिला रहे थे, ठीक है। गला पूरी तरह से जल गया था, जीभ में स्वेलिंग थी, स्वेलिंग थी तो आवाज भी नहीं आती होगी, आवाज भी साफ, सूजन मुंह, जीभ सूजा हो तो आवाज कहाँ से आएगी, इसीलिए गले में कुछ जा भी नहीं रहा था। मुंह में बदबू आती थी, स्मेल आने का मतलब समझ सकते हैं कि पूरी तरह से सड़ चुका था। ये बातें ना जी, ये आपने लिखवाया था मुझे, बोल नहीं पाते थे, चेहरे में भी स्वेलिंग थी, चेहरा भी सूजा हुआ था, नींद नहीं आती थी। कितने दिनों से नहीं सोया था? कभी कभी सोते थे 1 घंटा सोते थे फिर उठ जाते थे। कभी आंख लग गई भैया, 24 घंटे बंदा जगा होते कभी भी आंख वैसी लग जाती है, फिर झटके से उठ जाते, इतना पेन था उसको। बुखार रहता था कंटिन्यू, कान से सिर में दर्द होता था, ठीक है, मुंह हमेशा खुला ही रहता था। वीडियो है ना, देना जी सारा वीडियो मुझे। पेट साफ नहीं होता था, पीछे D9 और D11 बता रहा कि उसमें भी पीछे स्पाइनल कॉर्ड में दर्द था। इस कंडीशन का पेशेंट मेरे पास आया था, मैंने ये सारी बातें लिखी थी, ठीक है। और अब मेरे पास आने के बाद इन्होंने बताया कि ये सारी चीज ठीक हो गई, गला जो जला हुआ था वो ठीक हो गया था, ठीक हो गया, वो पूरा जो जला था ना, जो झड़ रहा था बता रहे थे आप, वो ठीक हो चुका। 8 महीने से जो लिक्विड पे थे वो कितने दिन में खाने लगे थे सर? 3-4 दिन के अंदर। बंदा क्या खाने लगा, क्या दिया आपने उसको खाने में? जैसे फ्रूट देते थे वो खा लेते थे, ठीक है, हल्की रोटी छोटी पतली, ठीक है, रोटी खाने लगे थे, पतली रोटी, ऐसा तो नहीं उसको मैश करके दे रहे थे? नहीं नहीं, ऐसा नॉर्मल नॉर्मल जैसे आप लोग खाते हैं रोटी खाने लगे थे। जो बेड पर था, बिस्तर पर था पेशेंट, वो 3 किलोमीटर चल रहा है सर, रेडियो भेजी है, ट्रैक्टर चला रहा है पेशेंट, 3 किलोमीटर चल जाता। आपको 3 किलोमीटर चलने बोलो तो मैं नहीं चल पाऊंगा 3 किलोमीटर भाई, मैं तो स्वस्थ हूँ मैं। और पेशेंट कहते हैं 2 बार बैठ के तो आराम से खेत पर चला जाता, अब ट्रैक्टर पर जा रहा है। सुनाना सर अपने अपने मामा को आपकी बातें, जानी चाहिए, बताना, नंबर आप इनका लेना, इनसे बात करवाना, ठीक है। गले में जो जलन होता था वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। जीभ में जो स्वेलिंग थी वो भी ठीक हो गई, वो भी ठीक हो गई। मुंह से जो बदबू आती थी वो बंद हो गई थी। कितने दिन में? वो तो 2-3 दिन के अंदर होना था, जो वो निकल रहा था ना अंदर से वो भी डट गया था, वो बस बोलते हैं उसके, क्या बोलते हैं, वो भी बंद हो गया था। मुंह से जो निकल रहा था इसका, गंदगी निकल रही थी, वो भी ठीक हो गया। कफ निकलता था वो भी ठीक हो गया, और बदबू आनी भी ठीक होगी। कुछ दिन का मेहमान चलता फिरता, बस इतना ही लिया था मैंने, या तो बेड पर, यही था ना जी। ऐसे पेशेंट की रिकवरी की बात कर रहे हैं, नींद नहीं आती थी वो आ रही है, बोल नहीं पाते थे वो, बोल रहे हैं हल्का हल्का, मुंह निकलने लगे थे, मुंह से आवाज निकलने लगी थी, क्योंकि जो ट्रैक्टर पर जाते थे गांव वाले से बात भी करते होंगे, ठीक है जी। चेहरे पर जो स्वेलिंग था वो भी कम हो गई थी, वो भी कम हो गया। बुखार आती थी वो भी कम हो गई थी, वो भी कम हो गई। कान से सिर में जो दर्द था वो भी कम हो गया। मुंह पूरा जो खुला रहता था वो भी थोड़ा सा बंद होने लग गया था, वो भी बंद होने लगा। और पेट साफ नहीं थी वो होने लग गया। रीढ़ की हड्डी में जो दर्द था वो दर्द नहीं। ये सारी चीज इनके पेशेंट की ठीक हो चुकी थी। कितने दिन में? वो सर 10 दिन के अंदर अंदर। समझ में आ गया? इसके बाद क्या होता है सुनो, इसके बाद की कहानी आप ही बताओ। तो बीड़ी पीने लग गए। समझ में आ रहा है? बीड़ी पिएगी तो वो वापस वो निकलने लग गया। मात्र बीड़ी पिया, उसके बाद फिर से उनकी वो हालत होगी। आपने ला के दिया बीड़ी? जैसे वो दुकानों से सारों को मना कर दिया, भाई बीड़ी मत देना इनको, दुकानों ने मना कर दिया। अब जैसे कोई बंदा पी के फेंक देता है ना, इतना कुछ बच जाता है, उसको चुप के लिया। जो पेशेंट बेड पर आ चुका हो, जो पेशेंट मरने की कागार में हो, जो 2 दिन का मेहमान हो, जिसका गला सड़ गया हो, उस पेशेंट को कैसे याद आ जाती है फिर से बीड़ी? तो ये होता है कि पेशेंट का तो मरना तय था, लिख दिया था, लेकिन गौ माता का एक आशीर्वाद था जो यमराज को रोक दिया गया था, सिर्फ इतना ही था जी। लेकिन मौत निश्चित हो चुकी थी तो उसको बचाया नहीं जा सकता। ऐसे पेशेंट की डेथ हुई है मेरे पास है, लेकिन उसका वीडियो नहीं बना। मरने के बाद कौन वीडियो बनाने आएगा? बिल्कुल ठीक कर दिया, बीड़ी पीने लगा, डेथ हो गई।
मेरे मोहल्ले के आसपास का केस है, तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं जो सच है ना वो तो रखूँगा। इतनी अच्छी रिकवरी के बाद पेशेंट का बीड़ी पीना, इन्होंने पकड़ा कैसे कि वो रात को पी रहे थे, मैं पानी पीने उठा तो वो सो लगे हुए थे, उन्होंने दिमाग लगा लिया बोले घर वाले तो सो गए, उन्होंने सोचा घर वाले तो सो गए हैं, पर ये पानी पीने उठे थे तो वो बीड़ी पी रहे थे। अब रात को कोई बोलता तो गांव वाले सोचते पता परेशान कर रहे हैं हम। अब देखो सुबह तो पता भी नहीं चलता, अब पेशेंट की समस्या बढ़ जाती तो मेरे को आके बोलते हैं मेरे हमने तो पूरा नियम किया। ये तो ही बोलते हैं जी आपने जो बताया था पूरा नियम किया और पूरा आराम भी था, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ और कैसे बढ़ गई। पेशेंट तो बताने वाला था भी नहीं, क्यों, पेशेंट को पता है कि मैं तो छुप के पी रहा हूँ, वो तो नहीं बताता। 10 दिन में पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ठीक है, उस पेशेंट को मात्र एक बीड़ी ने फिर से उसी जगह पर। आप क्या क्या दिक्कत होगी सर? अब तो हल्का हल्का ब्लड आने लग गया, कभी कभी आता है वो तो, और वो स्वेलिंग आ गई वापस, और हल्का हल्का वापस शायद ब्लड की कंडीशन पे जा रहे हैं फिर से बैठ के, वो यू टर्न ले चुका है फिर। यही है जी, हम तो एक ही बात बताएंगे, मैंने नहीं बोला कि पेशेंट ठीक कर दूंगा, मेरे पास इस बीमारी के लिए क्या किसी बीमारी के लिए दवाई नहीं है। मैंने हर वीडियो में बात कहा है एक नाखून को ठीक करने की, यानी बाल से लेकर नाखून तक की कोई दवाई नहीं, तो फिर ठीक कैसे हो रहे हैं? जैसे आप खाना खाते हो, भोजन खाते हो, किस लिए खाते हो, कोई मेडिसिन है क्या? तो इसको कह देंगे शरीर का भोजन, फूड प्रोडक्ट कहेंगे ना। दूध को क्या बोलोगे, कोई दवाई बोलोगे? छाछ को क्या बोलोगे, गोबर को क्या बोलोगे? तो ये फूड प्रोडक्ट है जिसको कोई भी ले सकता है। मैंने बोला था ना कि पेशेंट की दवाई आप भी खा सकते हो, आपका बच्चा भी खा सकता है, तो दवाई बोलने से शायद पता नहीं इसका नया नाम रखना पड़ेगा कुछ आपको। तो हमारा विज्ञान ये करता है कि हमारे भोजन को ही औषधि बना दिया है, दवा बना दिया है। और मैंने कहा था कि पूरे परिवार को आपको नियम करना है, पूरा परिवार ने पूरा एक नियम चालू किया, ठीक है। तो आज पेशेंट की रिकवरी भी थी, और आज जो विज्ञान बताया कि आज मैंने बोला गोबर को पीने के लिए आप लोग ही पीते हैं पूरा परिवार, सच बोलना सर। मैं, पापा, मम्मी, ये परिवार में सभी लोग पीने। अब देखो जो दवाई मैंने पेशेंट को बताई थी वो ये भी तो ले रहे हैं ना। इस विज्ञान को आप लोगों को भी जानने की जरूरत है। और अभी जो मैंने एक केंद्र बनाया, उसको हॉस्पिटल नहीं बोलेंगे, उसका नाम रखा मैंने पंचगव्य आरोग्य केंद्र, उसमें आप लोगों को इस चिकित्सा को ही सिखाया जाएगा। बिना डिग्री के डॉक्टर बनाएंगे, हमारी पहचान अलग ही दिख जाएगी, जैसे उनकी अलग दिख जाती है ना, हमारी पहचान भी अलग दिख जाएगी। हम ऐसे वैद्य बनाने का प्लान है कि हर घर में, आपने सुना था कि राजीव दीक्षित ने कहा था कि हर राज्य में एक वैद्य हो, मैं चाहता हूँ हर घर में एक वैद्य हो। तो 80% बीमारी अपने घर में ठीक हो सकती है, 20% बीमारी यानी एक्सीडेंट हो गया, ब्लड चढ़ानी है, ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैं उनको नकार नहीं रहा, मैं उनको खराब भी नहीं बता रहा हूँ। कई बार आयुर्वेद वाले भी कई लोग हैं जो भ्रमित कर दिए, कई लोग बोले आयुर्वेद में गए तो उन्होंने हमारी बीमारी बढ़ा दी, तो हमें जाना पड़ा। तो दोनों तरफ ही कहीं ना कहीं बंदे गलत हैं, ना इधर सही है ना उधर सही है, और उधर भी सही है तो इधर भी सही है। तो उसको आपको देखना है, आपको समझना है, एक अच्छी चिकित्सा को सिखाने के लिए ही ये संस्था खोली गई है, और हर वो चीज़ आपको वहाँ पर देंगे जो आपको सही कर सके। यानी अच्छा अनाज मिला तो अच्छा बर्तन, अच्छा बर्तन मिला तो अच्छे मसाले, तो ऐसी सारी चीज़ जो शुद्ध हो आपको बताएंगे, खुद भी उगाओ, बीज भी मिलेगा। तो आने वाले समय में चाहते हैं कि ऐसा विज्ञान हो कि हम स्वयं अपना चिकित्सा कर सके। तो मेरी बातों से बुरा तो नहीं लगा ना आपको कि आपने, मैंने आपसे बोला वीडियो बनाए, आपने बोला नहीं वीडियो बनाने का तो मन नहीं मेरा, ऐसा क्यों? क्या आपने बोला कि मेरी रिकवरी तो रुक गई, ठीक होते होते तो क्या फ़ायदा? लेकिन आपने जो वीडियो बनाया ना जी, कि वो गलती ना करे जो आपके पिताजी ने करी, ये बात है ना। ये चाहते थे कि पेशेंट मेरा बिल्कुल ठीक हो जाए तो बनाऊं, लेकिन आज पेशेंट ठीक तो हो ही गया था ना, ठीक हो गया, वो तो उनकी गलती की वजह से, ये आपकी नहीं है। तब अपने परिवार को बता सकते हैं कि हमने जहां चिकित्सा करवाई वो वैद्य तो गलत नहीं था। हमने कितना पैसा ले लिया आपसे? 18 जोर से बोलो जी, 19,000 रुपया। तो आपको बुरा लगा हो तो मैं तो ठीक है, आपके पिताजी को फिर से परमात्मा ठीक करे, मैं पूरी तरह से वही दवाइयां अपने पास, ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार।